हे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को गौर से सुनना और आंसर देना, या एटलीस्ट सोचना इस बारे में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अभी स्क्रीन पे आपको चार अलग अलग रास्ते दिख रहे होंगे। अब देखो, बात यह है ना कि ये चारों रास्ते से ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, लेकिन एक कैच है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट पर जाओगे ना, पहला रास्ता जो है वो सबसे सिंपल है, बट उसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा और इनकम भी स्लो आएगी। जबकि जैसे जैसे आप राइट साइड पर जाते जाओगे, रास्ता सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चुनोगे, तो फोर्थ रास्ता जो है उसमें आपकी इनकम सबसे जल्दी आएगी, सबसे कम टाइम लगेगा, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और स्किल्स रिक्वायर्ड बढ़ने लगेगी। सो अगेन सोचो, आप कौन सा रास्ता चुनोगे? वेल, आइडियली आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट ये भी है ना कि हर रास्तों में भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जो आपको एक एक करके लेने पड़ेंगे, तभी आप राइट साइड पर शिफ्ट कर पाओगे, या फिर जो भी रास्ता चुने हो उससे फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप वो स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं लोगे, तो आप कोई भी रास्ता चुन लो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाओगे। और आज मैं आपको इन्हीं चारों रास्तों को अच्छे से एक्सप्लेन करके, इनके अंदर जो सारे स्टेप्स आपको लेने हैं, ताकि आप भी लेफ्ट से राइट की तरफ जा सको, या एटलीस्ट जो भी रास्ता आपने चुना हुआ है उसी में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सको, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगी। ट्रस्ट मी, आज का वीडियो जो है ना उसकी बातें कोर्स के लेवल की बातें हैं, स्ट्रेट ऑन द पॉइंट, जो आपके बहुत काम आएगी। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो भी सबर से देख लेना, ये 20 मिनट के आसपास का वीडियो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है, इसलिए इस पर फोकस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही सीकेंड चैनल पे आपको बुक्स और मेंटर्स की नॉलेज, कोर्स लेवल की बातों की नॉलेज फ्री में मिलती रहेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद लैडर नंबर वन। लैडर नंबर वन जो है वो है टाइम फॉर मनी का लैडर। ये सबसे सिंपल है, इसलिए सबसे कॉमन रास्ता है, मैक्सिमम लोग यही रास्ता चुनते हैं स्टार्टिंग में, और हो सकता है आपको भी ये रास्ता चुनना पड़े, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी दो स्टेप्स होते हैं, जिन दो स्टेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला होता है आर्ली जॉब्स का स्टेप। आपने देखा होगा कई सारे लोग पढ़ाई करते करते ही पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं, मतलब कुछ घंटों के बदले उनको कुछ पैसे मिलते हैं, और ये क्योंकि आर्ली होता है इसीलिए पैसे भी थोड़े अनइवन और कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है संदीप महेश्वरी जी, जो कि आज के टाइम पे बहुत बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर एंटरप्रेनर है, वो आज काफ़ी सक्सेसफुल है, बट जब उन्होंने भी अपना स्टार्ट करा था तो उन्होंने भी इसी लैडर से स्टार्ट किया था। उनकी पहली इनकम आर्ली करियर काउंसलिंग से जनरेट हुई थी। मैंने भी अपनी पहली इनकम जो जनरेट किया था वो टीचिंग करके करी थी, मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाता था। ऐसे कई सारे लोग आर्ली जॉब से स्टार्ट करते हैं, बट फिर वो लोग आ जाते हैं स्टेप नंबर टू पे, जो है फुल टाइम जॉब। यहाँ पे आपको अनइवन तरीके से जॉब नहीं मिलती है, काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि आपका एक फिक्स टाइम कर दिया जाता है कि आपको 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, आपको इतना काम करना पड़ेगा हफ्ते के 5 से 6 दिन, और उसके बदले में आपको मंथली सैलरी मिलेगी। नाउ ये चीज़ भी कंपैरेटिवली सिंपल है पैसे कमाने के लिए, इसलिए लोग कई बार इसमें जाते हैं। बट हाँ, ये बात भी है, ये सिंपल तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रास्ता हार्ड नहीं है। यहाँ पर भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और सबसे बुरी बात यह है ना कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप मेहनत करते रहोगे और इसी लैडर पर अटके रहोगे, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बट स्टिल वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग टाइम फॉर मनी के रास्ते पर ही चल रहे होते हैं। ये लोग अपनी सेविंग से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो करना यूजुअली बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। ये चाहते हैं कि ये फायर कम्युनिटी में आ सके, फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। लेकिन जब तक इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब नहीं है, तब तक यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आप देखोगे तो जॉब करके जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं, उनके नंबर्स बहुत 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 कम है। इसलिए इस फर्स्ट रास्ते से हटके जो सेकंड रास्ते पे आपको आना चाहिए, वो है स्टार्ट योर ओन सर्विस बिजनेस। देखो, जो भी काम आप अर्ली बेसिस पे कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप उन्हीं चीज़ों को एज अ सर्विस दूसरों को देना स्टार्ट कर सकते हो, काइंड ऑफ अपना खुद का सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पहला स्टेप है आर्ली सर्विस, जहां आप लोगों को बोल सकते हो कि मैं आपके लिए 2 घंटा काम करूंगा, आपके लिए मैं कंटेंट राइटिंग करूंगा, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन या जो भी चीज़ है, और आप अपने आर्स के हिसाब से इनकम उनको चार्ज कर सकते हो। कई सारी वेबसाइट जैसे कि अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर और ट्वाइन, ये सारी वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हो अपनी सर्विसेज देने के लिए। ना, आर्ली सर्विस का कॉन्सेप्ट इंडिया में इतना फेमस नहीं है, इंडिया में दूसरा स्टेप ज़्यादा कॉमन है, जो है स्टेप नंबर 2, चार्जिंग एज पर प्रोजेक्ट्स। आर्ली सर्विसेज से हट के कई बार लोग फिर क्या करते हैं कि वो लोग एक एक प्रोजेक्ट उठाते हैं कि उनको एक वीडियो क्रिएट करके देना है, 5 वीडियो क्रिएट करके देना है, और उसके लिए कितने आर्स उन्हें लगेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है और उसके लिए वो चार्ज करते हैं। ना, ये वाला जो स्टेप है वो पहले स्टेप से ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि कई बार लोगों का दिमाग ऐसा ही चलता है कि यार मैंने 8 घंटा काम किया और ये मुझे इतने पैसे दे रहा है,
बट ये जॉब मेंटालिटी है, जबकि अगर आपको बिजनेस मेंटालिटी में आना है, मतलब ज्यादा पैसे कमाना है, तो आपकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि मैं कितने रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे चार्ज कर रहा हूँ। और ये स्टेप आपको उसी टाइम फॉर मनी से हटके बिजनेस के रास्ते पे लेके आने की कोशिश करेगा। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे अगर आप मेहनत करके काम करते हो तो यहाँ पे लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी तो ये वाले स्टेप पे आप पैसे भी अच्छे खासे चार्ज कर सकते हो। और एक बार आपने वो करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा क्लाइंट्स बना लिए, ट्रस्ट गेन कर लिया, तो फिर आप आ जाओगे इस रास्ते के स्टेप नंबर 3 पे, जो है मैनेजिंग अ टीम फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज। देखो इससे पहले तक सारे काम आप खुद कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि एक तो प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते रहते हैं वीकली या मंथली, तो फिर आप उसमें से एक प्रॉफिट का हिस्सा खुद अपने पास रखोगे और बाकी के प्रॉफिट से आप किसी और को हायर करोगे, कोई और इंसान जो आपसे थोड़ा पीछे है, मतलब आर्ली सर्विसेज दे रहा है या फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे आप अपने टैलेंट से हटके दूसरे टैलेंट्स को मैनेज करना स्टार्ट करते हो, आप एक लीडरशिप पोजीशन पे आ जाते हो जहाँ आपको अपनी स्किल्स से हटके नई स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, नई नई चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि कंपनी सेटअप, अकाउंटिंग, सेल्स, नेगोशिएशंस, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। यहीं से आपके बिजनेसमैन बनने की शुरुआत होती है। बट हाँ, मैक्सिमम लोग यहीं पर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिकॉज यहाँ पे दूसरों को मैनेज करने के साथ साथ अपने बिजनेस को ग्रो भी करना होता है, आपको और लोगों की नीड पड़ने लगती है, और नए लोगों को हायर करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क कई बार साबित होता है। बट इसमें ओडू आपकी हेल्प कर सकता है, जो कि एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ आपके बिजनेस की सारी नीड्स पूरी हो सकती है। मतलब आप अपने पूरे बिजनेस को ये एक ही प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सकते हो, ई कॉमर्स बना सकते हो, अकाउंटिंग हैंडल कर सकते हो, इनवॉइसेस बना सकते हो, एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हो, और भी बहुत कुछ हैंडल कर सकते हो, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे कुछ लोगों को हायर करना है तो मैं पहले ओडू के रिक्रूटमेंट ऐप में जाके जॉब ऑफर पोस्ट कर दूंगा। जैसे कि समझो मुझे मेरे चैनल के लिए वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है, और वो भी 3, और कुछ और भी जॉब ऑफर्स चाहिए मुझे, तो मैं वहाँ पर सब डाल सकता हूँ। जिसके बाद सारे जॉब ऑफर्स और कैंडिडेट्स, स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज़, हर चीज़ को एक जगह से ट्रैक कर सकता हूँ, जिससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही कोई भी अप्लाई करेगा, उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे दिखने लग जाएगा, भले से वो कोई भी पोजीशन के लिए हो। कोई भी स्पेसिफिक जॉब ऑफर पर क्लिक करके सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हुए स्टेजेस को हम यहाँ से देख सकते हैं, जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। प्लस एप्लीकेशन को ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे रिक्रूटमेंट की ये प्रोसेस को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ एक इंसान डिटेल डैशबोर्ड में ये सब कुछ कर सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप एकदम फ्री में कर सकते हो, क्योंकि ओडू की पहली ऐप एकदम फ्री है, अनलिमिटेड यूजर्स इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए, विथ लाइफ टाइम अनलिमिटेड होस्टिंग एंड कस्टमर सपोर्ट, जिसके लिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको और ज़्यादा ऐप्स चाहिए तो वो प्लान भी आपको सिर्फ 580 रुपीज़ में मिल जाएंगे, है ना, ये हिडन जैम। अगर आप ओडू में इंटरेस्टेड हो, सिंप्लीफाई करके अपने पूरे बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो, रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, तो अभी जाओ ओडू को चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आपका लेटर नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं हम तीसरे रास्ते पे, जो है प्रोडक्टाइज्ड सर्विसेज। देखो अभी तक हम सर्विसेज को सेल कर रहे थे, बट अब हम सर्विसेज को एक प्रोडक्ट की तरह सेल करेंगे, इसलिए इस रास्ते का नाम रखा हुआ है प्रोडक्टाइज्ड सर्विसेज। सबसे पहले प्रोडक्टाइज्ड सर्विसेज का मतलब समझ लेते हैं ना, ये नॉर्मल सर्विसेज से थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे अपनी सर्विसेज को पैकेज करना और प्राइसिंग करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो, तो बहुत से रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट लर्निंग किट सेल करते हैं, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, 4 वीकली सेशंस होंगे, 1 एडिशनल वीकली रिविजन सेशन होगा, लाइव ट्रेडिंग सेशंस होंगे, और ये सारी चीज़ आपको मिलेगी 2,00,000 में। इसके अलावा प्रोडक्टाइज्ड सर्विसेज के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन इंटीरियर डिज़ाइन एंड क्यूरेशन, स्मॉल बिजनेस एंड वेबसाइट डिजाइनिंग एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सेकेंड रास्ते और थर्ड रास्ते के बीच में इतना डिफरेंस क्या है, वहाँ पे भी सर्विसेज दे रहे थे, यहाँ पे भी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ना थोड़ा गेम अलग हो जाता है। रास्ता नंबर 3 में जो चीज़ें आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं, वो सेकंड रास्ते पे नहीं मिलते हैं, जो जिसमें से पहला है इनकम ग्रोथ। सेकंड रास्ते में इनकम की जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत कम होती है, क्योंकि हर क्लाइंट की नीड्स जो होती है वो अलग होती है, जिस वजह से ज़्यादा सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पाती है। जबकि तीसरे रास्ते में सर्विसेज आपको ऑलरेडी पता है आपको एग्जैक्टली क्या देना है, बस आपको उसको बार बार डायरेक्टली देना है लोगों को, बिना किसी ज़्यादा चेंजेस के। सेकंड चीज़ है वो है स्कोप। सेकंड रास्ते में आप काफ़ी कम स्केल कर सकते हो, स्कोप बहुत कम होता है। वहीं तीसरे रास्ते में इस प्रोडक्टाइज सर्विस की वजह से आपको एक्सपांशन का भी स्कोप दिखता है। थर्ड, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। देखो क्लाइंट को ना आपको बहुत पर्सनलाइज होकर सर्विसेज देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, आप पे प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि थर्ड रास्ते में आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग सर्विसेज को दे रहे हो, जो एग्जैक्टली आपने शायद SOP क्रिएट करके बनाई हुई है कि ये चीज़ दी जाएगी, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। और लास्ट, फोर्थ, कस्टमर क्लैरिटी। सेकंड रास्ते में कस्टमर्स को भी क्लैरिटी नहीं होती है कि उनको एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, जबकि थर्ड रास्ता जब आप चूज़ करोगे तो
तो इसमें आप खुद भी ज़्यादा क्लियर हो पाओगे कि आपको क्या बेचना है और आपके कस्टमर्स भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि उनको क्या क्या मिलने वाला है। अब देखो, सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने के लिए कुछ चीज़ें एसेंशियल होती है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल तीन चीज़ें बताता हूँ। पहला, आपको ना अट्रैक्टिव सेल्स कॉपी लिखने आना चाहिए जिसकी मदद से बिना डायरेक्ट कस्टमर्स इंट्रैक्शन के भी आपका जो सर्विसेज है, प्रोडक्टाइज सर्विस, वो सेल होती रहे। सेकेंड, आपको अट्रैक्टिव सेल्स पेज डिज़ाइन करने आना चाहिए। थर्ड, आपको सेल्स और पेमेंट क्वेरीज को भी अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए। देखो, इवेंचुअली जब आप थर्ड रास्ते की तरफ मूव करने लगोगे ना और इस गेम को थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे तो आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बेच पाओगे। मतलब आप अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाओगे जिससे आपके इनकम का ग्राफ टाइम के साथ साथ बढ़ने लग जाएगा इतना तेज़ी से जितना पहले दो ऑप्शन में कभी नहीं हो सकता था। बट हाँ, इस रास्ते में भी एक चैलेंज है स्केलेबिलिटी का। सर्विसेज हम एक हद तक ही दे सकते हैं और उसके लिए आपको हायरिंग दबा के करनी पड़ेगी। जबकि फोर्थ रास्ता इससे थोड़ा और बेटर है उस अंदाज में। पैसे तो देखो थर्ड रास्ते में बहुत कमाए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं वो यूजुअली चौथा रास्ता यूज़ करते हैं, जो है सेलिंग प्रोडक्ट्स का। देखो, पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोग सिर्फ सर्विसेज नहीं बेचते हैं, वो लोग मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स या फिर एटलीस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल, एलन मस्क टेस्ला बेचते हैं, मुकेश अंबानी जी जियो के सिम कार्ड्स, रिलायंस के कई सारे प्रोडक्ट्स, टाटा के कई सारे प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ लोग इससे भी एक स्टेप आगे जाके एक पूरा मार्केट प्लेस क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे ऐसे कई सारे फिजिकल प्रोडक्ट बिकते हैं और लोग बेचते हैं, जैसे कि जेफ बेजोस का अमेज़न। अब देखो, अगर आपने थर्ड रास्ता चुना होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में, तो फोर्थ रास्ता आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा और यहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस भी कंपैरेटिवली बेटर होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कई सारे कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाए हैं, आपने सीखा है कि धंधा कैसे होता है। जबकि कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली ही चौथा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो ऐसा नहीं है गलत रास्ता है, लेकिन उसके अंदर कई बार इसलिए फेलियर्स भी मिलते हैं क्योंकि उनको कई सारी चीज़ें पता नहीं होती है बिजनेस के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फोर्थ रास्ते से पैसे कमाने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए यहाँ से आपको कई इंपॉर्टेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है जो लोगों के पास स्टार्टिंग में नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट, लीड जनरेशन सीखना, सप्लाई चेन ऑपरेशंस को मैनेज करना, शिपिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होती है। इनफैक्ट थर्ड रास्ते से ज़्यादा स्किल्स आपको चाहिए अगर आपको फोर्थ रास्ते में अमीर बनना है, तो जो कई बार मैक्सिमम लोगों के लिए कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल आप कर सकते हो ना। अगर आपको ये रास्ता चुनना है तो भी मैं आपको कुछ स्टेप्स दे देता हूँ जो एक एक करके आप ले सकते हो इस रास्ते से बहुत अमीर बनने के लिए। जैसे कि पहला है स्टेप वन, आप डिजिटल प्रोडक्ट से ट्राई कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट कंपैरेटिवली फिजिकल प्रोडक्ट से आसान होते हैं, आपको एक बार बस कोई कोर्स ई बुक क्रिएट करनी है और फिर उसको बेचने पर फोकस करना है। सेकंड, यहाँ पे आप जो चीज़ ट्राई कर सकते हो सेकंड स्टेप, वो है सेलिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स। जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे अपना कोई ऐप बना के डालना, कोई डिजिटल प्रोडक्ट कोई एक प्लेटफॉर्म पे सेल करना। थर्ड स्टेप पे आप फिजिकल प्रोडक्ट्स और ई कॉमर्स में जा सकते हो। यहाँ आप डिजिटल प्रोडक्ट से हटके कुछ फिजिकल चीज़ को बेचना स्टार्ट करते हो, जैसे फिजिकल बुक्स या फिर कपड़े या फिर कुछ भी और। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये वाला भी एक तरीका है जिससे लोग काफ़ी पैसे कमाते हैं। यहाँ यूजुअली लोग डिजिटल या फिजिकल दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन बना देते हैं, जैसे कि कई सारी मेंबरशिप वेबसाइट्स है जहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे देने पड़ते हैं, नेटफ्लिक्स एंड ऑल। वहीं पे फिजिकल प्रोडक्ट्स के भी आपने देखा होगा मेंबरशिप स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि कंट्री डिलाइट, ये सब, ये लोग आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं फिजिकल प्रोडक्ट का। इसके बाद नेक्स्ट आता है SaaS। यहाँ पे आप लोगों को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देना स्टार्ट करते हो। इसके भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि गूगल वर्कस्पेस, स्लैक, जूम। यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो और उसको आप लोगों को बेचना स्टार्ट करते हो, मे बी सब्सक्रिप्शन मॉडल में या वन टाइम पेमेंट पे। और लास्ट आता है मार्केट प्लेस एंड सोशल नेटवर्क्स। जैसे कि अमेज़न एक मार्केट प्लेस है और मेटा एक सोशल नेटवर्क है। ये लेटर के सबसे लास्ट स्टेप है, आप बोल सकते हो, जो सबसे ज़्यादा कई बार लोग अमीर बनते हैं वो मार्केट प्लेसेस या सोशल नेटवर्क करके ही आजकल बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम करके ना। ये वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसको क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी कई बार चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप इस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बट ये याद रखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ग्राफ में दिखाया था, ये वाला सबसे कॉम्प्लेक्स रास्ते का, फोर्थ रास्ते का सबसे कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जो बहुत कम लोग ही क्रैक कर पाते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आप बताओ कि इन चारों रास्तों में से अभी आप कौन से रास्ते पे हो और नेक्स्ट आपका कौन से रास्ते पे आपको जाना चाहिए। आइडियली कंक्लूड करने के लिए मैं यही बोलूँगा, लेफ्ट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे राइट की तरफ शिफ्ट करो। बस ये याद रखो, जितना छोटा रास्ता चुनने की कोशिश करोगे उतना उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। पैसे तो जल्दी आ सकते हैं बट फेलियर के चांसेस भी यहाँ ज़्यादा रहते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से आप अच्छे से रिक्रूटमेंट कर सकते हो, एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हो, तो आप उडू यूज़ कर सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।